अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाँ, मेरी आंखें जितनी सूजी हुई इतना मेरा डल फेस है। उसका रीज़न ये है कि भाई मैं दो दिन जब हंस के व्लॉग अपलोड कर रही थी ना, तीसरे दिन मैं पक्की बीमार हो जाती हूँ। भाई कोई ना मसला हो जाता है कि मेरी जिस वजह से ना मैं डल हो जाती हूँ या थोड़ी सुस्त हो जाती हूँ, कुछ ऐसा सीन होता है मेरे साथ। वही हुआ है, मैं दो तीन दिन लगातार वीडियोस अपलोड किया। मतलब इससे पहले भी ये व्लॉग, डेली व्लॉगिंग से पहले भी जब मैंने वो एक व्लॉग अपलोड किया था ना, ये जो ऊपर आई बटन में शोर है, इसके ये कंटिन्यूसली मैंने दो दिन अपलोड किया। तीसरे दिन मैं बीमार होगी, चौथे दिन मैं नानो घर चली गई, तो फिर ये सीन हुआ था। तो अभी भी ये जो मेरी वीडियोज़ में ये जो मेरे कुछ स्पेसिफिक लोग देखते हैं ना, उनके वजह से सारा कुछ होता है, तुम लोगों की वजह से काम खराब होता है मेरा। मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया, आपको तकलीफ और अजियत देने वालों में ना जहर जो है ना, वो भी दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कुछ स्पेसिफिक लोग आते हैं, यू नो बेटर के कौन से लोग हो सकते हैं वो। पहले सोच रही हूँ साथ नाश्ता बनाती हूँ, साथ जो है वो फिर किचन समेटती हूँ, क्योंकि फिर थके आ रहे वो लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं पहुँच गया किचन समेटूँगा। बस ये है कि अभी सिर्फ ये चीज़ें समेट लूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। बाकी अभी फ़िलहाल तो यही है। और जनाब, आप मेरी सुस्ती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मैं अभी, हालांकि मेरे मामा लोगों के आने में काफ़ी टाइम है, मैंने अभी जो है ना उनके लिए कावा शफा चढ़ा दिया है कि जब ये आए ना तो मैं सिर्फ इनको ना इस पर दूध डाल के जो है ना चाय पकड़ा दूँ, क्योंकि मैं अगर मैं सो गई ना एक दफ़ा फिर बहुत मुश्किल है आज। मतलब कोई लेट उठना मेरा ये कन्फर्म है कि मैंने लेट हो जाए, मतलब लाइक शाम को कहीं जाके मेरी आँख खुलनी है, जो यहाँ पर जब कोई हिलाएगा मुझे, क्योंकि आपकी बहन जो है ना वो गधे घोड़े अपनी जायदाद सब कुछ बेच बूझ के सोती, फिर नामुमकिन है कि राबिया साइदा ने जो है ना वो होश में आना है। और बाकी अब मैंने अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर पानी शानी डाल लिया। एक कॉफ़ी थोड़ी सी गिर गई थी मेरे अंदर मो कप के अंदर, फिर मुझे बाद में याद आया कि इसको जो है वो करना है, पहले इसको पानी को गर्म करना है, फिर उसके बाद इसके अंदर कॉफ़ी डालनी है। तो ये गर्म हो जाए, क्योंकि मैं पिक्की बिल्कुल टका के कॉफ़ी वो नहीं पी सकती कि बीट करो और डायरेक्ट दूध डाल दूँ, मुझे हर हाल में थोड़ी सी मीठी चाहिए होती है। वैसे मैं डाइट कर रही हूँ, लेकिन मेरे से ना मतलब बिल्कुल नमकीन चीज़ें नहीं खाई जाती। और ये भी हो गया गर्म, अब बस इसको बीट करना है, ये अच्छी तरह से बीट हो जाए, फिर थोड़ी सी डाली है ना, आधा पैकेट ये डाला है और आधा पैकेट जो है वो थोड़ी सी वो डालूँगी, मतलब एक एक पैकेट अगर डालती ना पूरा मैं, तो मैं एक पूरा पैकेट डालती, लेकिन अब आधा क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ था ये, तो आधा ये डालूंगी और आधा इसके अंदर से डालूंगी। तो फिर इसको अच्छी तरह से बीट करके फिर मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर लूँगी, और बाकी फिर नाश्ते का देखती हूँ कि मैं नाश्ते का क्या। टड़ा, ये होगी है तैयार, ये इसके अंदर जो नीचे पानी शानी रह गया ना, अब ये बस थोड़ी सी इसको मैंने इस तरह से बीट करना था, ये अब ये इसके अंदर डाल के उसके ऊपर दूध डाल दूँगी। लिटरली मैंने ना तैयबा हुआ नया नया शौक, मतलब जब डाइट कर रहे थे ना हम लोग, तो इसको नया नया शौक चढ़ा था कि ब्लैक कॉफ़ी से जो है ना ज़्यादा वज़न नहीं चाहता। अब इसने बंदी ने ब्लैक कॉफ़ी मंगवा तो ली, और जिस दिन इसने पी ना यार, इसने डायरेक्ट पानी के अंदर डाल के ना इसने पी लिया, जैसे अभी मैंने सिंपल पानी के अंदर डाली और इसने बीट भी नहीं की, और इसने मिक्स करके गर्म पानी में डाल के इसने पी ली। नो डाउट कि उससे बहुत जल्दी आपको पसीना आता है और आपका वेट जो है ना वो बहुत जल्दी नीचे आता है, लेकिन भाई इतनी कड़वी लिटरली मैंने सिर्फ और सिर्फ ना मैंने आधी सिप जिसको कहते हैं ना मैंने वो टेस्ट की, उसके बाद मैं कभी ब्लैक कॉफ़ी के ना प्योर ब्लैक कॉफ़ी के करीब भी नहीं गई। इसमें मैंने अब कोई आधा चम्मच जो है मैंने चीनी डाली हुई है कि ये मीठा रहे, नमकीन मतलब इस तरह ना हो कहीं मुझे लगे कि पता नहीं मैं कौन सी कड़वी चीज़ पी रही हूँ। तो अब भी बस इसको तैयार शेयर करना है इसके अंदर बस, और बाकी अब इसके अंदर ये डालना है, ये हो जाएगा तैयार, फिर बाकी डालना है बर्फ़। और एक और चीज़, मेरी सुस्ती का एक और अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि मैं अभी गई थी ये दूध लेने के लिए, तो मैंने एकदम से मेरी नज़र पड़ी रातले दाल चावल पे, जो कि आपकी बहन ने इतने तरदूद से बनाई और वो खुद ही नहीं खाई, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नाश्ता बनाने का तरदूद मैं छोड़ती हूँ, मैं वो चुप करके ना वो चावल गर्म करती हूँ वो खाती हूँ मैं। ये देखो इस तरह से होगी, इसमें कॉफ़ी डाल दी है जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी झाग थी ना वो भी इसके ऊपर डाल दी है मैंने। टड़ा, अब इसके अंदर डाल दूंगी बर्फ, बाकी जो थोड़ी सी रह गई ना ये तैयबा आके पी ले तो ये ठीक हो जाएगी, बल्कि इसको और जितना बीट करूंगी ना वो टिकेगी नहीं, बस अब इसके अंदर बर्फ़ डाल के ना इसको रख, मेरी कोल्ड कॉफ़ी हो जाएगी तैयार, फिर तैयबा खुद ही आके अपनी बना लेगी, इतना तो वो कर ही लेगी। चलो भाई बस इतना चीखता यार, ये ओवन की आवाज़ मुझे बड़ी ज़्यादा। खैर खाना हो गया है डन, खाना भी हो गया है गर्म जो मैंने इतने तरद्दुद से। अच्छा, अब लोग ना एक्चुअली होते हैं डाइट में, लोग कहते हैं कि ना चावल नहीं खाने चाहिए यार, जितने भी जो चीज़ें होती हैं मैंने सारी गलत साबित की हैं। मैंने डाइट में चावल भी खाए हुए, सब कुछ खाया हुआ, इवन मैं
एक दिन जो है ना लाजमी संडे को या सैटरडे को मैं नान चने या हलवा पूड़ी में से कोई एक, हाँ पहले मैं दोनों चीज़ें खाती थी, फिर जब मुझे मैंने डाइट का जब मुझे शौक चढ़ा ना, बुखार चढ़ा जब मुझे डाइट का, तब ये है कि मैंने एक चीज़ कर दी थी, मैं एक चीज़ खाती थी, या मैं हलवा पूड़ी खाती थी या मैं नान चने खा ली होती थी। सो अब सिर्फ ये हुआ है कि अभी भी मैं चावल खाती हूँ, अभी भी मैं नान चने में से हलवा पूड़ी में से कोई एक चीज़ खाती हूँ, या और अब जो है ना मेनली मैंने ये किया हुआ कि हर चीज़ की ना क्वांटिटी कम की हुई है। खाती मैं सबको जो कोई चीज़ नहीं छोड़ती, मीठा मैं नहीं छोड़ती, लिटरली मैं नहीं छोड़ती मीठा, मेरे घर पड़ा होना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वो मीठा खाऊँ ना या टेस्ट ना करूँ। हाँ खाने से टेस्ट तक आ गई हुई हूँ मैं, कि लाइक पहले अगर मैं उसको खाती थी ना तो अब मैंने उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है टेस्ट कर लेती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाऊँगी जैसे पहले खाती थी। और फिर बाकी उसके अलावा ये कहीं नहीं लिखा हुआ यार कि आप सबको छोड़ छोड़ के बैठ जाओ, और कहीं पे भी नहीं ये मेंशन है कि आप बिल्कुल सारा कुछ छोड़ दो और खाली पेट जो है ना वो आप क्या बोलते हैं एक लफ्ज़ होता है वो भूख हड़ताल शुरू कर दो आपके, जी मैं डाइटिंग पे हूँ और सारा वर्कआउट। हाँ मैंने ये डाइट में अपनी मैंने ये चीज़ अपनी डाइटिंग वाले जो पूरा शेड्यूल था ना उसमें मैंने ये किया, हर चीज़ की क्वान्टिटी कम की मैंने, नान से भी परहेज करना शुरू कर दिया। लाइक जैसे पहले हम लोग क्योंकि हम लोग बैठे होते तो हम लोग डेढ़ नान हमारा कहीं नहीं जाता, तो मैंने ये किया कि मैं उससे इससे एक नान पे आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर जब लेकिन अभी भी कोई मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ लाइक निहारी हो गई, सीरी पाई हो गई, ये पक्के होना तो फिर डेढ़ नान कहीं नहीं जाता, नान चने हो तो फिर कहीं नहीं जाती ये चीज़। और रात को तैयबा के इसके अंदर जो है ना मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन नहीं मैंने मतलब इतनी भी तेज़ नहीं डाली थी, ठीक डाली थी मैंने। अब पता नहीं हरी मिर्चों की वजह हो गया या लाल मिर्चों की वजह। मिर्च तो वाकई तेज़ है बट इट्स एक्चुअली गुड, मामा वाले जायका आ रहा है, जो जैसे मामा दाल पकाती है ना वो वाला जायका आ रहा है इसके अंदर। शाबाश शाबाश, मिर्च तेज़ हो गई है सिर्फ, पता नहीं वो किस तरह हो गई है रहा। और उसके मजाफात में बिल्कुल सोने का वक्त हुआ जाने लगा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरी बहन साहिबा जो है वो मामा की एल्बम लेके बैठी हुई है, ये प्रीटी सी एल्बम है, इसके अंदर पता नहीं कितने कोई 200,000 करोड़ लोग हैं, इनमें से कुछ लोग जो वो हैं जो कि जिनकी डेथ हो गई हुई है, कुछ लोग वो हैं जो कि बिल्कुल जिनसे रिश्ता रुश्ता सारा कुछ सीन सुन खत्म हो गया है, और कुछ लोग वो हैं जो कोई एक दो कितने जुड़े होंगे हमारे साथ यार। अकेली पे जादू करा के जो हमने सोच लिया कोई रिश्तेदारों को निकाल कर उन पर टूना करा देना, ये हमारी प्रीटी मम्मा मंगनी का छोड़ा था भाई। मुझे यकीन हो गया कि वलीमे वाले दिन ना कुछ भी कर लो लेकिन अपनी नंदो पर यकीन ना करो। सॉरी पुप्पो, मुझे पता है मेरी पुप्पो मेरी ब्लॉग देखती हैं, लेकिन भाई मेरी पुप्पो ने मेरी अम्मा का कोई क्या हाल कर दिया था। मामा की ये मामा की मंगनी की पिक्चर्स हैं ये वाली, इतनी प्रीटी लग रही, सीधी कर यार, इतनी प्रीटी लग रही है मामा, जस्ट लुक एट हर मेकअप हर ड्रेस और एवरी थिंग यार। और मामा की वलीमे की दिखाई नजर ही नहीं आना। ये है ये बैठे हुए अस्तगफिरुल्लाह, ये वही है औरत जो अभी मैंने मंगनी की दिखाई है और साथ मेरे बाबा, लेकिन ये पहचानी जा रही है कैसे, सोने में नहाई हुई है, कली मली हुई है मुँह पे भाई, मेरी पप्पो ने कली मल दी थी मेरी अम्मा के मुँह पे। और ये हम दोनों बहनें प्यारी प्यारी सी, ये छोटी बहन मेरी सेंसर सेंसर, और ये प्रीटी सी मैं छोटू सी, ये सेंसर है जरा। और दिखाओ ओ जाल है कि मामा वलीमे वाले दिन पहचानी जा रही हूँ कि वही बंदी है जिसका जिसकी मेहंदी और बरात करके बाबा लेके गए। ये देख मामा की बैग कमिंग। जिस लुक एट हर की, वही सही पुराने जमाने की मामा ने बड़ी करीब करीब जरा ऊंची वाली बैग कमिंग करी हुई, मामा को बड़ा शौक था। मामा क्या देख क्या सोच के ये वाली बैग कमिंग कराई थी, वैसे किससे देख के इम्प्रेस हुई थी आप, नहीं किससे इम्प्रेस थी? अच्छा ये बना दे इतना सा मुंह और इतनी बड़ी ऊपर बैग पहाड़ खड़ा किया हुआ आपने, ये भी गंजी तैयबा छोटी सी, चले मेरे दो एक दांत नजर आ रहे हैं। ये मम्मा ये भी मैं, तू तालियां बजा ये दे, फिर वो आ गई वलीमे वाली लड़की। हां देख मेरे बूट देख, तू बूट देख, तू जराबे देख, तेरा मुंह आ गया, गर्मी है ऊपर हाफ स्लीव पहने नीचे जराबे पहन के, बूट पहने मैं स्टाइलिश लड़की हूं मैं। देखो मम्मा कितनी दे मंगनी में कितनी प्रीटी लग रही है यार, कितनी प्रीटी लग रही है मामा ने, तो मुझे लगता है राजू के शूट अपने मंगनी भी करा लिया, दोबारा मौका मिले ना मिले मिले ना मिले नहीं ना नहीं किया था, बाद में शादी भी ना थी। अरे इस पे भी प्यारी लग रही है, आपने रेड नेल पॉलिश लगाई हुई है हाथ पे, ये भी मैं प्रीटी सी छोटू सी खुफिया अभी जी अपने दो
फटाफट कराओ, तुम लोगों को फर्क कराओ। ये भी मेरी मम्मा है, दिखा, छोड़ सेंसर, छोड़ नॉट सेंसर, छोड़ ये सारा सेंसर है, बस इसको देखो। या अल्लाह, मम्मा क्यों डायना बन के मम्मा, क्या ये भी क्या सोच के अब चुड़ैल बन गई थी, हमें डरा रही थी। हकीकत में देखो तो बड़ी प्यारी लग रही, हकीकत में देखो तो। अच्छा ये भी छोटे छोटे से हम हमारी नानो ने अपनी सारी जवानी सारे किए हैं, और हम जब जरा से बाजू इधर उधर हाथ उठा दर अपना नहीं नहीं यार थोड़ा सा था ये मैं हूँ अबे तुम अपनी बैकों में देखो तो ये उस जमाने में चलती थी ना, ये देखो ये मैं कितनी हाँ। प्यारी शरीफ अम्मा, एक शेर वाली मामा, एक शेर, ये मैं कह रही थी वो शेर वाली भी थी तो हम शेर के पास खड़े थे, शेर आगे खड़ा था हमारे हो, ये क्या होता है, ये भी देखो छोटू सी मैं, ये बहुत सेंसर्ड पिक्चर है, ये भी बहुत सेंसर्ड पिक्चर है मेरी यार, ये मैं एक जगह दिखाती हूँ इसकी, उसकी दिखा, उसकी दिखा, चल चल ये इस बात जी ने तजर्बा किया था, तैयबा को नया नया कुकिंग का जुनून चढ़ा था, ये मेरे ये मामा सेंसर चुने लग गए ये मेरे दो दाने अंडे के, अम्मा ने मुझे नाश्ता नहीं दिया था उस दिन, ये भी छोटू सी प्यारी सी मैं, हाथ अम्मा जी, इसमें मैं हूँ, तुम हर जगह हो, हाँ ना, ये मम्मा का मेकअप, हाँ छोटू सी मम्मा ने मेकअप करा है, अम्मा आपको शुरू से शौक था मेकअप का, मुझे लगता है ये वाली, वही मम्मा ने कट भी लगवाया हुआ आईब्रो में, कहाँ पे, ये देखो भाई वेदर, ना ना ये तो आपने पक्का पक्का वो लगवाया हुआ है मेकअप चेक कर, ये 1990 की तस्वीर है, ये इतनी पुरानी हो आप, ये उधर घर की है ना, हाँ नहीं नहीं ग्रेस होटल की है शायद, पता नहीं कौन, राजिया खाला खड़ी है साथ, हाँ लीमे की होगी, नहीं बरात की, बरात की है मम्मा, उधर लाहौर की है, लाहौर की, ये देखो ये भी मम्मा, ये कॉलेज में तैयार हुई थी, स्कूल में शायद शरारे पहन के गई थी मम्मा, किसकी शादी थी स्कूल में, फनफेयर था शादी, स्कूल में वो कौन पहन के जाता शरारे, मैंने फंक्शन में हिस्सा लिया हुआ था, मम्मा के जूते देख, मम्मा के जूते देख, खाओ खाओ खाओ, अमेरिका से है, खाओ जरा मम्मा, ये अमेरिका में अब लंदन में रूल रहे हैं इस तरह के जूते, जिनको आप कह रही हो अमेरिका से आए हैं, मम्मा ये क्या रोल प्ले किया था हमने ये शरारे पहन के, ये मैंने वो, अम्मा वैसे आपकी शक्ल मिट्ठू बाबू से मिलती नहीं, भाई है उनका छोटा, आप दुल्हन बनी हुई थी शरारे, ग्रीन कलर के शरारे में दुल्हन कौन बनता, यानी कि तीन चार दुल्हनों ने बनना था, उन्होंने से एक मैं थी, मां अगर आपके मुंह पे दाढ़ी लगा देते तो आप मिट्ठू बाबू लगोगी, चलो भाई अंदर चले जाओ, यहाँ तो बहुत छोटी सी है, ये देखो ना ये मुंह पे बदन की ऐसी वेदी लगाई हुई है कली मेरी हुई, कली मारी हुई है आपने सारे मुंह पे अपने, ये आयशा सिद्दीका, ये तो कॉलेज की है, मैं और मामा एक ही कॉलेज में, इसमें लग रही है रब, मैं और मामा एक ही कॉलेज में, हाँ ये मीजे सी लगती है ना, हाँ यहाँ लग रही है, कैसी बात है, मैं और मेरी मामा एक ही कॉलेज में पढ़े हुए, एक ही टीचर से भी पढ़े हुए, इवन मेरी मामा इतनी, मैं मामा पुरानी है लेकिन मैं तो नहीं थी, लेकिन टीचर्स पुरानी है हमारी, ये देखो तैयबाई यार ये प्यारी है दिखा 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 नहीं यार सेंटर नहीं नहीं अपनी भी दिखाओ ना नहीं ये दिखाओ मेरी ये सेंटर है जरा ये डेपी बनी हुई है ये क्यूटू सी मैं छोटू सी ना तो मुंह सेंटर है ये देख पहचानी जाती मामा के सूट मामा का मेकअप ना पापा के कपड़ों के साथ मैच हो रहा है ये पीछे से पीछे जो दीवार है और मामा का शेड बिल्कुल सेम मामा आपका मुंह और दीवार सेम मैच हो रही है ये आपकी वलीमे की पिक्चर में ये देखो आपका मुंह और दीवार बिल्कुल सेम लग रही है देख मेकअप करके प्यारी नहीं लगी तेरे पापा वैसे ही कैसे है भाई मेरे पापा वैसे ही बड़े प्यारे थे अच्छा ये देखो ये भी प्यारी सी छोटू सी मैं मेरी ना दिखाना मेरी ज़्यादा सेंसर्ड है नहीं दिखा रही है डालो वापस अच्छा जी और क्या है ये सारी देखो ये सारी इतनी प्रीटी मंगनी की तस्वीरें इतनी प्रीटी लगती हैं ये मंगनी की तस्वीरें भाई ये कहाँ से मिली है उस जमाने में इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे ये कहाँ से मिली भाई इतनी प्यारी है ये चीजें को पापा का सामान जो आया था ना ये देखो ये चीज ये मामू के साथ ये भी मैं गंजी में ये सारी कजने इनमें से ना आधी से ज्यादा वाम शादीशुदा हो गई है आधी से ज्यादा वाम के बच्चे हैं और बस ये मैं खड़ी हूँ ये तैयबा खड़ी है गंजी तैयबा का लहंगे का कलर ये थी हमारी लाइट मारना और कुछ ऐसे लोग भी हैं दिल करता है जिनकी तस्वीरें निकाल के ना उन पर टूना करा दूँ
ये मेरी सारी, ये हमारी पूरी फैमिली, असल कंप्लीट फैमिली है। हाँ बाकी मम्मा पापा ये वलीमे वगैरह, बाकी ये फिर बराती। मम्मा ये कौन है? हम ना बेनाम बंदा, ये तो वो लग रहे हैं मुझे, फैसल चाचू लगे मुझे, फैसल चाचू के बैठे ये बैठे हुए हैं ना, ये फैसल चाचू है ना, अल्लाह जाने। मम्मा ये क्या था, ये आपका क्या था, माइयों था कि मेहंदी थी? मम्मा ये माइयों है, मेहंदी है, पीला जोड़ा ये तुम्हारी दादू ने भेजा था। मम्मा ये सूट कहीं से पीला नहीं लग रहा, दादू को मुझे लगता है कलर सूखी मेहंदी कलर है, कलर तुम्हारी दादू ने अपने हाथ से बनाया। दादू तो बड़ी टैलेंटेड निकली। मामा आपकी शादी के सारे फंक्शन में सिर्फ सबसे ज्यादा प्यारी मम्मा ही लगी, इस पिक्चर पे गौर करें आप कितनी प्यारी लगी, और कहीं नहीं आप प्यारी लगी हुई है। आपकी दोस्त ने शूट भी इतना प्यारा आपका किया हुआ है। मैं ची प्यारी मेकअप अच्छा हुआ है, वही मेकअप की गेम है, सूट की भी गेम है, सूट प्यारा लग रहा है। 90s के जमाने में भी मेकअप सही किया हुआ, कैसे पोज मार मार के इस बंदी ने ना शूट कराया हुआ। 90s का नहीं है, 2001 है। प्रीटी लग रही हो, प्रीटी कैमरे से धीमी है। अगर मामा के कोई दोस्त मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास आपकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं शेयर है। मामा जैसे आपकी दोस्त है क्या, रामे हिना नाम है इनका, हिना है, सहर खल है, और कौन है, आसमा खल है, और तीन ही है ना। ये भी मैं हूँ, छोटू सी मैं, गंजी एकदम, मेरी अम्मा को पता नहीं क्या शौक था, हर टाइम चिंड कराई रखती थी हमारी। ये भी मैं हूँ, ये मेरे माँ आ गया, क्लिप आ गया, आ गया, आ गया, अब तो मैं लगाऊंगी ये तैयब आप फोन कर रहा है, ये प्यारी हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ, ये प्यारी हूँ मैं, और ये तो नहीं लिख रही, नहीं नहीं दिखाओ तो सही यहाँ पे भी। अच्छा ये तो ना, इसकी तो कह रहा है इधर मैं क्यूट लग रही हूँ, लेकिन इधर ये हमारा सारा नाम क्या है, है ना, नहीं अहमद अहमद नहीं है इसमें, वो भी मामू है अहमद, ये जो खड़ा है, ये खड़ा है अहमद, ये हटा टाटा टाटा। प्रीटी हो यार, प्यारी लग रही हो। मामा देख कितनी सीरियस है, जैसे हमें मार के खड़ा किया दोनों बहनों को, किया तो मार के ही था, किया तो मार के था। बस खत्म होगी हमारी एल्बम। अब जो कोई व्लॉग देखता होगा ना, अगर किसी को कोई तस्वीरें चाहिए हुई तो बता देना, और अगर किसी बंदे पे टूना चुना भी कराना हुआ तो मुझे कॉल कीजिए, किसी रिश्तेदार स्पेसिफिक पे। ये लो भाई, फाइनली हमारे घर में चिकन की शक्ल दोबारा से देखने को मिल रही है। हमारे घर में गोश्त लगा, कितने दिन पकाया हमने गोश्त वाला, हफ्ता बस तो कल तब तक के लिए बस आपने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।